है? बस एक मिनट, इसकी रिकॉर्डिंग ऑन शुरू कर दूँ ना। जिस ट्रैक की मैं बात कर रहा था वो अब आगे है एंड अभी आपको उसको देख के ही मज़ा आने वाला है। उसको फर्स्ट क्लास देख के मज़ा आने वाला है। ये रहा, स्पीति लद्दाख का मजा जो है ना, आज तो पानी कम है, जो कल आए थे तो पानी बहुत ज्यादा था, आज तो तब भी बहुत कम है, कल तो बहाव बहुत था, बहुत ज्यादा बहाव था। जय हो, तो वो वाला ट्रैक हमने क्रॉस कर लिया है, आगे गर्जिया मंदिर 6 किलोमीटर है। और अभी ये सब हम रिकॉर्ड करते हुए जा रहे हैं। तो अभी हमने रिफ़िल करवा लिया है अपने पेट्रोल को, फ्यूल रिफ़िल हो चुका है एंड फ्यूल रिफ़िल हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 75 किलोमीटर्स के आसपास, जो हमने 2.5 घंटे के आसपास में कवर किया था। तो 75 2.5 घंटे में यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर हमने 30 किलोमीटर्स अराउंड कवर कर लिया था। अब हम जो पहाड़ी एरिया है वो छोड़ चुके हैं, अब प्लेन में आ चुके हैं, रामपुर हमने क्रॉस किया है एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स काशीपुर। बीच में सभी के सभी एक ब्रेक लेंगे, शायद कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत खाएंगे लंच वगैरह के लिए। 100 मेक को निकलना था, तो 100 मेक जो है वो बीच में हमें पेट्रोल पंप से सी ऑफ करके, साइन ऑफ करके निकल गया है बिकॉज ही हैज सम अर्जेंट वर्क। तो नाउ वी आर ओनली 11 राइडर्स ओवर हेयर
और हम टूवर्ड्स दिल्ली की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि हम बीच में एक ब्रेक ज़रूर लेंगे। एक तो अभी लेंगे और एक शायद आगे भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं लेंगे, बट अभी स्पीड के हिसाब से हम बहुत अच्छा चल रहे हैं। उम्मीद है कि हम 8-9-10 मैक्सिमम 10 बजे तक आई थिंक सो पहुंच जाना चाहिए हमें अपने डेस्टिनेशन पे, यानी कि घर तक। बाकी जैसा होता रहता है अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि अगर ये 3 बजे के आसपास, तो अभी 3 बज रहे हैं, 3, 4, 5, 6, हाँ 10 बजे तक तो आराम से, बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। 10 बजे तक तो बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। जंगल जलेबी नाम देखो, 1 किलोमीटर में वो ढाबा रह गया है, तो जहाँ पे हम सुबह के टाइम आए थे तो हमने रोका था, तो डेट इज़ लाइक 1 किलोमीटर अहेड, वहीं सबका रुकने का प्लान है। जिसके लिए जहाँ पे मेरी एक वीडियो शूट हुई थी और वो अरविंद जी ने डाली थी, अरविंद जी ने डाली थी, तो वो वाली वीडियो चल रही है। अभी यहाँ से काशीपुर जो है वो 63 किलोमीटर के आसपास है। देखा वो ढाबा आ गया, डोआबा पंजाबी ढाबा, वो ढाबा आ गया जहाँ हम उस दिन सुबह, मतलब कल सुबह आके रुके थे। डेट इज़ हेयर। अभी वहाँ से हम चल दिए हैं जहाँ स्टे किया था, डोआबा पंजाबी ढाबा पे। अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा के आसपास वहाँ हमें ब्रेक हो गया, बहुत स्लो सर्विस थी यार, बहुत स्लो सर्विस थी, बट ठीक है अभी निकल रहे हैं। एंड नेक्स्ट स्टॉपेज जो डिसाइड हुआ है वो अभी तक तो ये है कि गजरौला में अब नेक्स्ट स्टॉपेज रखा जाएगा। तो गजरौला मतलब अप्रॉक्सीमेटली 90 से 95 किलोमीटर दूर, ये एक पैच में हमें कवर करना है। अभी थोड़ा वेदर ठीक हो जाए, बादल वगैरह आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो ये 90-95 किलोमीटर अभी हम एक सिंगल पैच में निकालेंगे गजरौले तक, उसके बाद जो गजरौला के बाद अगला पैच होगा वो भी हमारा जो है वो ही निकाला जाएगा सिंगल पैच के अंदर ही। तो ये है कि अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे यहाँ से ये 90-95 किलोमीटर के, एंड 2 घंटे का मतलब ये हो गया कि 6:30 से 6:30 का मतलब है, अगर वहाँ ब्रेक लिया 7-7:30 तक, उसके आगे 2 घंटे और, तो वही 9:30-10 बजे तक बड़े आराम से पहुँच जाएंगे वापसी तक। और ये है कि अभी ये जो ब्रेक लिया है थोड़ा गर्मी ख़त्म हुई है, गर्मी कम हो गई है, उसके बाद अब स्पीड से बाइक निकलेंगी और चलती जाएंगी। तो थोड़ा सा कवर करते हैं। आम गिर गया आम। ये काशीपुर का बाजार था जो हमने अभी क्रॉस किया है। ओ माय गॉड, भयानक ट्रैफिक था भाई, मतलब एक्सट्रीम वाला। गर्मी तो जो हो रखी है वो हो रखी है, पर भयानक ट्रैफिक था। तो अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स हमें निकले हुए हो चुके हैं ढाबे से,
और हमने शायद काशीपुर भी जो है वो क्रॉस कर लिया है, होप सो। ट्रैफिक पूरा निकाला है, अभी थोड़ा खाली दिखाई दे रहा है, आगे देखते हैं कि कितना ट्रैफिक है कितना नहीं है, लेकिन लग रहा है कि काशीपुर तो क्रॉस किया है, बाकी आगे देखते हैं। पर अब मैंने कहा ना, गर्मी है अच्छी वाली है, स्पेशली जब ट्रैफिक में आप फंसते हो तो गर्मी लगती है, पर अभी है धूप में तेज़ी, 5 बजने जा रहे हैं, लेकिन या तो ह्यूमिडिटी बहुत है उसकी वजह से लग रहा है, तो है गर्मी तो है। चलो मिलते हैं आपसे जल्दी टुवर्ड्स गजरौला, हमारी यात्रा हमारा ये सफ़र अभी भी कंटिन्यूशन में है। अभी कुछ खींच खांच के हम पहुँच तो मतलब अभी तो पहुँचे नहीं है हाईवे तक, तो चल रहे हैं, और यहाँ एक पी ब्रेक लिया था सबने, वाटर ब्रेक पी ब्रेक बीच में। अभी यहाँ से मेरा घर जो है वो लगभग 153 किलोमीटर है, जस्ट चेक्ड, तो 153 किलोमीटर्स है, तो डेट मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली जो अभी चलाना होगा, अगर हाईवे पे पहुंच जाएंगे तो 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल सकते हैं, पर अभी हाईवे तक पहुंचना है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाईवे तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो मान के चलो कि 60 × 2 = 120 × 5.5, एज्यूम किया था कि 5:30 6 बजे तक पहुंचने का एज्यूम किया था ना हमने गजरौला। हाँ तो ठीक है, अभी जो ये ब्रेक लिया है ये 50 किलोमीटर के आसपास में लिया है, तो 50 किलोमीटर का मतलब हो गया कि और 50 किलोमीटर में गजरौला पड़ेगा, वहाँ तो फिर 100 किलोमीटर के आसपास ही रह जाएगा घर। वो वाला 100 किलोमीटर तो शायद एक ही पैच में खींचा जाएगा, लगभग 1.5-2 घंटे में, ज़्यादा ज़्यादा वही बीच में वाटर ब्रेक ले सकते हैं, तब तक तो खींचते ही हैं। अभी ये दलपतपुर में शायद हाईवे से बिल्कुल पहले है, फुल ऑन जाम है भाई, फुल ऑन जाम। कोई कहीं से भी निकाल रहा है यार।